दौसा की सिकराय से बड़ी खबर, जहां आईएएस राजेंद्र विजय के पैतृक आवास पर एसीबी की रेड और कोटा संभागीय आयुक्त हैं आईएएस राजेंद्र विजय। एसीबी टीम सर्च ऑपरेशन में आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण बताया जा रहा है। कोटा संभागीय आयुक्त हैं आईएएस राजेंद्र विजय। एसीबी टीम सर्च ऑपरेशन में आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण बताया जा रहा है। दौसा से ये बड़ी खबर, एसीबी टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है और आईएएस राजेंद्र विजय के पैतृक आवास पर एसीबी की ये रेड। कोटा संभागीय आयुक्त हैं आईएएस राजेंद्र विजय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर और आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पुष्पेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? एसीबी का सर्च यहां पर चल रहा है और आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कोटा के संभागीय आयुक्त हैं राजेंद्र विजय, इनके आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है और इनके कई जगह पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है एसीबी के द्वारा। इनका पैतृक जो गांव है दुब्बी में भी दौसा की एसीबी की टीम पहुंची है, उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जानकारी में सामने आया कि यहां जो गांव में मकान है उस पर अभी तक कोई सदस्य नहीं है परिवार का मौजूद, और उनका जो गेट है मेन गेट सीज किया जा रहा है, सीज की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एसीबी की टीम की ओर से कुछ कहा गया, कोई अधिकारी किसी की ओर से जानकारी दी गई? एसीबी के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनके द्वारा बताया इतना सा गया है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया, उसके बाद में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ लोगों की भीड़ भी मौके पर लग गई है एसीबी के अधिकारियों को देख के, जो जिस जगह पर गांव में इनका निवास है उसके आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौजूद है। देखिए, राजेंद्र विजय के चार ठिकानों पर सुबह से ही सर्च चल रहा है और एसीबी को इनपुट किस तरीके से मिला, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? ये अभी हाल ही में कोटा संभागीय आयुक्त लगाए गए थे, जिसके बाद में कुछ शिकायत इनके दो इनको शिकायत दी गई थी किसी के द्वारा एसीबी को कि इनके अधिक संपत्ति से अधिक है इनके, जिसके बाद में लगातार एसीबी के अधिकारियों ने शिकायत के बाद कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र विजय की कोटा के दो आवास, साथ ही जयपुर में एक आवास और दौसा का पुश्तैनी आवास, जहां पर अभी टीम की ओर से सर्च किया जा रहा है। बाकी भी जो उनके ठिकाने हैं वहां पर भी क्या सर्च चल रहा है पुष्पेंद्र? अभी तक इस मामले में जानकारी एसीबी के अधिकारियों ने नहीं दी है। अभी तक यहाँ जो मौके पर अधिकारी हैं एसीबी के, उनके द्वारा यही बताया गया कि अधिक से आय से अधिक मामला है, इसको लेकर यहाँ दौसा में जो मकान है उनके पुश्तैनी मकान है उसको लेकर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आपको बता दें कि राजस्थान एसीबी की टीम आज सुबह से ही कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और एसीबी का ये सर्च आय से अधिक संपत्ति को लेकर किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें, राजेंद्र विजय के कोटा के दो आवास, जयपुर का एक आवास और दौसा का पुश्तैनी घर, जहां फिलहाल एसीबी की टीम सर्च कर रही है। और एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार सीनियर आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत एसीबी को मिली थी और जिसका एसीबी द्वारा पहले परीक्षण हुआ और फिर कई बातें सही निकली, जिसके बाद एसीबी ने कल कोर्ट के सामने अपनी जांच रिपोर्ट, अपनी शिकायत रखी और उसी के आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए। फिलहाल आज सुबह करीब 6:30 बजे से राजेंद्र विजय के चार ठिकानों पर एसीबी का सर्च लगातार जारी है और इस सर्च की मॉनिटरिंग एसीबी मुख्यालय में हो रही है और यहीं से फील्ड में सर्च कर रहे अधिकारियों को भी लगातार तमाम आदेश दिए जा रहे हैं। दौसा में फिलहाल एसीबी की टीम का सर्च जारी है।
और कोटा संभागीय आयुक्त हैं आईएएस राजेंद्र विजय। राजस्थान एसीबी की टीम आज सुबह से ही कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और सीनियर आईएएस के खिलाफ एसीबी को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये सर्च हो रहा है।